सर, विजय बघेल जी के बारे में जो लोग जानते हैं वो कबड्डी के रूप में भी आपके जीवन का एक अहम हिस्सा रही है, तो कबड्डी से आप सियासत के मैदान में कैसे उतरे, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो अपने अपना शौक है और खेल से मेरा बहुत लगाव था और ख़ासकर कबड्डी खेल से, और उसमें मैंने अपना सारा ध्यान लगाया और एक ऊंचाई में भी पहुंचा, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बना, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की टीम से भी मैंने प्रतिनिधित्व किया। और सौभाग्य ये रहा कि हम लोग मध्य प्रदेश की टीम से स्वर्ण पदक भी जीते, रजत पदक भी जीते, और आज निश्चित रूप से जो खेल भावना है वो मेरे मन में है। हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि हर चीज़ को खेल भावना से लेना चाहिए, और खिलाड़ी होने के नाते मैंने उस खेल से बहुत कुछ सीखा है, जाना है। खेल में तो अनेक ऊँचाई तय की, साथ ही साथ खेल से मैंने सीखा कि खिलाड़ी कभी हताश नहीं होता, परेशान नहीं होता, हमेशा हार से एक सबक लेता है और जीत के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, कहीं कहीं जाके उनको सफलता मिलती है, ये बात भी मैंने अपने खिलाड़ी जीवन में सीखा। 2008 में जब विधानसभा चुनाव आप जीते, उसके बाद फिर 2013 में आपको हार का सामना करना पड़ा, तो फिर नए सिरे से अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतने के लिए किस तरीके से आपने शुरुआत की? मैं जिस तरह अपनी जीवन जी रहा था वैसे ही जिया, और लोगों ने जो प्यार पद में रहते हुए मुझे दिया, उस प्यार को मैं अपने दिल में संजोए हुए लगातार उनके संपर्क में रहा, और पद में रहते हुए मैंने जो व्यवहार लोगों से किया था वो मेरी पूंजी थी, मेरी संपत्ति थी। लोग मुझे पद में ना रहते हुए भी वही प्यार वही चाहत देते थे, और उसी का प्रतिफल है कि आज मैं सांसद के रूप में आपके सामने हूँ। दुर्ग भिलाई एक इंडस्ट्रियल शहर और लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में अपने देश की अर्थव्यवस्था को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में एक निश्चित समय के बाद, तो क्या लगता है कि दुर्ग भिलाई जैसे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगी? निश्चित रूप से हमारे दुर्ग लोकसभा में सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, सबसे पुराना है भिलाई इस्पात संयंत्र, जो 1956 में रूस के साथ समझौते के तौर पे एक याराना जो हमारा संबंध है रूस से, उसके प्रतीक के रूप में उसकी स्थापना हुई थी, और आज सेल का सबसे बड़ा यूनिट उसे हम मानते हैं। और छत्तीसगढ़ में क्योंकि खनिज संपदा है, बहुत सारे लौह अयस्क हैं, तो हमारे यहाँ बहुत संभावना है। आज विश्व स्तर के रेल बनाने में हमने सफलता हासिल की है, भिलाई इस्पात संयंत्र आज तक इतनी रेल पांच बना चुकी है, अगर हम उसकी लंबाई को आंके तो 8 बार पृथ्वी को लपेटा जा सकता है, इतनी रेल हम बना चुके हैं। तो आज भी रेल की डिमांड इतनी है कि हम उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा सारा फोकस अभी माननीय हमारे स्टील मिनिस्टर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे भिलाई के विजिट में थे 2 दिन तक, और गहन चर्चा करके उन्होंने सबको निर्देशित किया है कि उत्पाद बढ़ाने के लिए और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है आने वाले समय में $5 मिलियन का जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है पूरे देश में, उसमें हम भूमिका निभाएं, उसके लिए हम प्रयत्नशील रहें और सारे संसाधन जुटा दें, सारी शक्ति जुटा दें, इस बात का आह्वान माननीय हमारे स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कही, और लगातार अधिकारियों की बैठक, वहाँ के कर्मचारी संघ के साथ बैठक और अन्य प्रकार की जो योजना बनाने वाले अधिकारी हैं उनके साथ बैठक उन्होंने की, मैं भी उनके साथ था, और निश्चित रूप से हम इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। सर, अभी किसी व्यक्ति ने कोरोना के बारे में जिक्र किया तो आपने उसे बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से यदि व्यक्ति स्वदेशी जीवन पद्धति अपनाए तो न सिर्फ कोरोना बल्कि बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकता है, तो
विजय बघेल जी के की लाइफ को हम स्वदेशी कितने नज़रिए से कैसे देखते हैं, किस तरीके से आप स्वदेशी को अपनाते हैं? नहीं, मैं तो शुद्ध स्वदेशी हूँ और हमारा देश भारतवर्ष देश जो सनातन धर्म और संस्कृति हमारी जो है वो हमारे लिए गौरव की बात है, वो हमारी पूंजी है, वो हमारी संपत्ति है, उसको हम संजो कर रखें। और अनेक ऋषि मुनियों ने हमें बहुत सारे संसाधन भी दिए, जो जड़ी बूटियां हमारे इस हिंदुस्तान में हैं, जहाँ पर भगवान भी इंसान का रूप लेके इस धरती पर आना पसंद करते थे, ऐसी हमारी भारत माँ की धरती है। तो ये पूजनीय धरती है और यहाँ अनेक ऐसे संसाधन हैं जिसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। और आप देखे होंगे आज तक हिंदुस्तान से कोई बीमारी ऐसे उपज नहीं हुई है, विदेशों से ये बीमारियाँ आती हैं और हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमारे में इतनी आत्मशक्ति है कि हम अपने ही अंदर के अगर शक्ति को जागृत करें तो कोई बीमारी हमको छू नहीं सकती, आँच नहीं आ सकती बीमारी की। ये हम संकल्प साथ जिए, ये मेरी भावना हमेशा से रहती है। लोगों को डराना चमकाना और विदेशियों को भी, खासकर चाइना की तो ये भाव रहती है, हर साल एक नई बीमारी भेजा करते हैं। अभी आप कह रहे थे चर्चा के दौरान कि बर्ड फ्लू भेज दिए, उसके बाद एक बीमारी आपने बताई सार्स भेज दिए, अभी कोरोना वायरस भेज दिए। तो ये बीमारियाँ ऐसे देशों में आती हैं जिनकी जीवन पद्धति नर्क की जीवन पद्धति, मेरे ख्याल से, मैं इतना घृणित शब्द उपयोग में नहीं लाना चाहता लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि ये लोग ऐसे ऐसे चीज खाते हैं जिनसे ये बीमारियाँ फैलती हैं और उसके कारण ही पूरे विश्व को भुगतना पड़ता है। तो वो इससे बचे, जो जिस देश के लोग ऐसे खान पान से में लिप्त हैं, हमारा हिंदुस्तान हमेशा से सात्विक रहा है और उसी भावना को लेकर हम लोग चलते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ मन से अपनी देश की पूजा करते रहें, अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। सर, दुर्ग भिलाई लोकसभा क्षेत्र के लिए आपकी कोई दो या तीन ऐसी प्राथमिकताएं जो आपने तय की हों? जरूर, हमारे यहाँ एक तो मैं बताया कि हमारा भिलाई प्रशासन इतनी तरक्की करे, इतना विकास करे, इतना उत्पादन हो कि हम भी एक हिस्सेदार देश के इस जो आने वाली पीढ़ी है या देश में जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसमें हम सहभागी बन सके। साथ ही साथ वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे पीने की पानी की व्यवस्था हो, चाहे अन्य प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, रोड सड़क बिजली नाली सबकी व्यवस्था हमारे क्षेत्र में केंद्र सरकार के माध्यम से पहुँचे, उसके लिए मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ हमारा जो दुर्ग है वो मिलीजुली संस्कृति का एक प्रतीक है। भिलाई दुर्ग ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं और ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा हिंदुस्तान का जहाँ के लोग वहाँ निवास नहीं करते। तो एक मिनी भारत के रूप में भी मेरा ये दुर्ग लोकसभा जाना जाता है। उस भाईचारे को पूरे देश में हम फैलाएं ताकि जो अभी गंदा वातावरण चल रहा है उसमें एक उदाहरण के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद सर, हिंदुस्तान ओपिनियन से बातचीत करने के लिए।